हाँ बोल। हाँ हाँ भाई, मनोज फोरवाल है ना? मनोज खोरवाल। हाँ भाई, तो आप मतलब किस कॉलेज में हो, आपके कॉलेज का नाम और आपका मतलब घर कहाँ से है, कहाँ से हो आप? गवर्नमेंट तिरुवरुर मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में है और मेरा घर है राजस्थान जयपुर में। तो देखो, कुछ जूनियर्स के डाउट है जिनमें से कुछ डाउट मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ कि ये कॉलेज कैसे एरिया में, मतलब गांव वाला एरिया या कोई सिटी वाला एरिया या फिर आसपास कोई कैसा है? मतलब ये सिटी भी नहीं है और गांव भी नहीं है, नॉर्मल मतलब बीच का सा है। मतलब ज्यादा आसपास, ज्यादा हाँ सिटी वाला एरिया भी नहीं है और जैसे एकदम नॉर्मल गांव भी नहीं है, खेती वगैरह ज्यादा। जैसे नॉर्मल और दूसरी बात है कि फीस कितनी है कॉलेज की, हॉस्टल की और खाना वगैरह? फर्स्ट ईयर में तो 15,000 फीस है, और और हॉस्टल का? खाने खाने को मेस डिपॉजिट लेंगे 6,000 अलग से, और 5,000 वैसे लेंगे जो लेके रख लेंगे बाद में दे देंगे वापस, नहीं, 15,000 नॉर्मल जितना मतलब खाने का कितना हुआ ऐसे डिपॉजिट इनके अलावा? मंथली 5,000। मंथ। हाँ मंथली 39 रुपये। हाँ, और अदर कुछ खान मतलब कॉलेज की फीस हो गई, हॉस्टल का कितना? हाँ हॉस्टल, हॉस्टल हॉस्टल का तो कुछ नहीं है, जो खाने का लगता है 39। फ्री है मतलब। अदर कुछ खर्चा होता हो जैसे पानी वगैरह, कैन वगैरह, ठंडा पानी या कुछ? पानी फर्स्ट ईयर में तो मतलब खुद के हॉस्टल में ठंडा नहीं मिलेगा, पानी तो मिलेगा आरओ का, हाँ वही, बस पानी मिलना चाहिए आरओ हाँ वगैरह। पानी तो मिलेगा। हाँ, और जैसे कि कितने साल पुराना कॉलेज है? ये 2010 में खुला हुआ है। 2010 का। और कॉलेज के खुद के ग्राउंड, जिम, कैंटीन, लाइब्रेरी में से क्या क्या है खुद का कॉलेज का? सब है। हाँ जिम वगैरह भी है खुद के कॉलेज के ना? हाँ कैंटीन कॉलेज के अंदर? कैंटीन है बाहर कॉलेज के, मतलब कॉलेज उसको जस्ट बाहर में, बाहर ही है। हाँ। और जैसे रैगिंग का क्या हाल है वहाँ पर, ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए और स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए? स्टेट कोटा वालों की रैगिंग ज्यादा होती है और ऑल इंडिया वालों की नहीं होती है, कम होती है मतलब बिल्कुल। नॉर्मल जो रूल होते हैं बस, मतलब फॉर्मल पहनो, दाढ़ी क्लीन रखो, क्लीन हाँ शेव, वो नॉर्मल नॉर्मल वाले होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब सब, ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट के लिए ज्यादा नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ आराम से बस जैसे बोले वैसे करके रहोगे, कुछ नहीं करेंगे। फंक्शन हाँ, और जैसे है कि कॉलेज में फंक्शन वगैरह कितने क्या होते हैं? तो अभी कॉन्वोकेशन हुआ था थोड़े दिन पहले, तो अभी अभी स्पोर्ट्स चलेंगे 14 तारीख से। हाँ, और मतलब जैसे होता है ना हर एक कॉलेज का खुद का एनुअल फंक्शन, उसका नाम क्या है आपके कॉलेज में? उसका वे गई अभी इस बार 23 हुआ था। हाँ, जैसे हर साल होता है ना एनुअल फंक्शन, वो कितने दिन चलता है लगभग हाँ तुम्हारे कॉलेज में? हाँ आपके कॉलेज में जो एनुअल फंक्शन होता है कॉलेज का, जो 5-7 दिन चलता है, वो कितने दिन चलता है आप वाला? एक महीना। पूरे एक महीने तक स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ हर दिन है ना, अलग अलग चीजें? चलो हाँ, ये अच्छा हुआ। कल्चरल स्पोर्ट्स से चलते हैं। और एक जैसे कि आप भी वहाँ ऑल इंडिया कोटा से गए हो, हाँ तो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज का और खाने का क्या ही मतलब दिक्कत कितना क्या आता है? खाने रोटी नहीं मिलेगी यहाँ पर। हाँ क्या क्या है वहाँ, इडली चावल ऐसे? तो इडली डोसा चावल दाल रोटी और मतलब सांबर, 0 ही है रोटी? रोटी नहीं, सप्ताह में 2 बार रोटी मिलेगी सर, और हाँ। पराठे पराठे मिलेंगे एक बार, और दो बार लैंग्वेज का, रोटी। लैंग्वेज का कितना बैरियर है? लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, इंग्लिश में तो पूरा बात कर सकता है सबसे, और और हिंदी नहीं आती लोगों को वहाँ वाले को ज्यादा? हिंदी कुछ लोगों को आएगी, क्लास में 2-4-5 ऐसे रहेंगे जिनको हिंदी आएगी, और ऑल इंडिया वाला आएंगे उनको सबको हिंदी आएगी, मतलब वहाँ 10-15 तो ऐसे रहेंगे जिनको हिंदी आएगी। हाँ, नहीं बच्चों का तो चलो मतलब एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन टीचर से इंग्लिश में ही चलेगा ना, और हिंदी तो नहीं करते होंगे टीचर? टीचर भी कुछ कुछ को आती है, कुछ को हिंदी आती है, ऐसी बात नहीं, सबको हाँ, ऐसे नहीं। मतलब यह है कि नॉर्थ वाले अगर स्टूडेंट आ गए वहाँ पर तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा लैंग्वेज का, इंग्लिश या हिंदी चल जाएगी लगभग। हाँ वो भी तो समझेंगे ना, फिर वो नॉर्थ का है तो वो भी तो समझेंगे ना भाई, जिसको हाँ नहीं हाँ आती है। सही। और जैसे और है कि कॉलेज के आसपास ट्रिप के लिए या घूमने के लिए अच्छी जगह कितनी कॉलेज के क्या है? आसपास ऊटी बहुत जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, ऊटी है, नागार्जुन, कितने दूर पड़ता है ऊटी? 34-35 किलोमीटर पड़ता है, और अब ये नागापट्टिनम, वो बहुत एक जगह क्या है। नाम था उसका, सबसे बड़ा मंदिर है ना अपने साउथ में, क्या नाम है उसका? त्यागराज, नहीं, एक और है ना, तिरुपति, तिरुपति। कितने दूर है तुमसे तिरुपति नहीं एक त्यागराज मंदिर वो तो पास में ही है, वो वाला? हाँ, तो दूर है, पास में ही है, दूर है वो। मतलब कॉलेज के आसपास कितनी क्या जगह है, जैसे बच्चे होते हैं ना कि हाँ हाँ 5-6 बच्चे ग्रुप में ट्रिप का प्लान करें तो उसे आसपास कर जगह हो है? जाओ, हाँ हो जाएगा ऐसे आराम से, कुछ होता है ना कि ऐसे बोर ना हो स्टूडेंट, कभी भी छुट्टी मिले तो बोर घूमने नहीं जा हो। सके। हाँ, नहीं हो। और है कि आगे क्लासरूम के अंदर का माहौल कैसा है, जैसे बॉयज गर्ल्स साथ बैठना, बोलना, ये वाला साथ में बैठते हैं अलग अलग और बिठाते हैं, हाँ मतलब रूल है या फिर वो खुद ही बैठते हैं शर्मा के? नहीं, वैसे मुझे पता ही नहीं है ये रूल है कि अलग बैठ बिठाते हैं कि कैसे, मुझे देखते पता ही होंगे ना नहीं। सीनियरों को, देखते होगा कभी तुम साथ जाते हैं सीनियर वगैरह सारे, तो ऐसे
सीनियर तो वैसे भी चले जाते हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर वाले तो अलग ही बिठाते हैं शायद पहले से, मतलब अभी तक अलग बैठते हो, फर्स्ट ईयर का रूल होगा शायद। और बोलना वोलना तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो तुम कैंटीन वगैरह में या फिर क्लासरूम में? क्लास में रूम बोल सकते हैं, डाइसेक्शन हॉल में बोल सकते हैं, उस फोन में वैसे बात कर सकते हैं वैसे, और बाकी बाहर नहीं, सीनियर नहीं देखना चाहिए। फर्स्ट ईयर के रूल है ओनली, आगे तो सेकंड ईयर से तो बोलते रहो। और नेक्स्ट है कि आपकी कॉलेज की कोई खास चीज या कोई खास बुरी चीज जो ऐसे लग रहा है कि यार नहीं होनी चाहिए थी ये कॉलेज में, जो दिक्कत दे रही हो? अरे तो लैंग्वेज दे रही है मुझे, नहीं नहीं कॉलेज की बता रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज तो समझ गए ऑलरेडी, पता को दिक्कत आएगा ही, लेकिन जैसे और कॉलेज का होता है ना कि डीन एकदम खतरनाक है या फिर फंक्शन वगैरह नहीं होते अच्छी तरह से या फिर स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेने देते फर्स्ट ईयर वालों को, ऐसे कुछ दिक्कत? फर्स्ट ईयर वालों को सब नहीं लेने देते, खेलने में फर्स्ट ईयर वालों को नहीं खेलने देते, थोड़ा कम है ना, मतलब अगर ग्राउंड फ्री रहा तो खेल, ग्राउंड में क्रिकेट लगाएगा तो सिर्फ फील्डिंग लगाएगा और कुछ नहीं, खेलने नहीं देगा। ऐसा है। और सफर में कितना क्या खर्चा आता है, जैसे नॉर्मली आप राजस्थान से हो तो जयपुर से बता दो नॉर्मली। यहाँ से अगर स्लीपर में आएगा तो 700 सर, एक पूछ रहा है सर कोचिंग से। और एसी वाला वहाँ कितना बताया? एसी वाला 2000 के आसपास। और उसमें 700 के आसपास। और फ्लाइट से कभी सोचा हो तो, कभी देखा हो तो, फ्लाइट का कितना पड़ता है लगभग एक रूट का? 6000 से 7000। हाँ सही है। और अभी नेक्स्ट है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा रहता है सर्दी गर्मी और बारिश में? ज़्यादातर तो नॉर्मल सा रहता है, मतलब गर्मी कितनी क्या पड़ती है? मेन तो गर्मी दिक्कत देती है बच्चों को। 39 के आसपास चल रहा है इस टाइम पे। नहीं एक तो होता है ना कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, लेकिन फील कितना हो रहा है, मतलब एकदम गर्मी परेशान हो रहा है बच्चा यहाँ पर? नहीं परेशान नहीं होगा, रूम के अंदर परेशान नहीं होगा। नॉर्मल हॉस्टलों में दिक्कत तो नहीं ना कि यार एसी लगाना ही पड़ेगा? नहीं नहीं। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि वहाँ का डिपार्टमेंट कैसा क्या है तीनों सब्जेक्ट का? डिपार्टमेंट एकदम सही, अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ हाँ पढ़ाई एकदम सही होती है। हाँ तो चलो यही है कुछ कुछ। हाँ पूरा एकदम सही ध्यान रखती है। हाँ तो यही था कि कुछ डाउट थे जो जूनियर्स पूछ सकते हैं, वो तो हमने पूछ लिए। और भी अगर जूनियर्स का कुछ अलग डाउट आएगा ना तो वीडियो पे वो कमेंट कर देंगे, तो आप मतलब उनका जवाब जरूर देना, ठीक है? हाँ पूछ लें कुछ ना कुछ। हाँ तो चलो मनोज कोटवाल से बात हो चुकी है, ठीक है भाई? ओके थैंक यू।